अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, मैं फातिमा रंगरेज। आज मैं आपको एक नया डेजर्ट लेकर आई हूँ फ्रेंड। देखिए, मैं बनाने तो मैं ड्रीम केक गई थी, लेकिन मैंने सोचा कि इतना वायरल हो चुका है, इतने लोगों ने ट्राई कर लिया, तो क्यों ना हम एक नया अपने ही मन से कुछ ईजाद करें। देखिए फ्रेंड, बनते बनते मुझसे कुछ और ही बन गया। इसका नाम मैंने अभी फाइनल नहीं किया, इसका नाम आपको रेसिपी के एंड में पता पड़ेगा। तो जिसके लिए मैंने यहाँ पर किया है, सबसे पहले मैंने यहाँ पर ये केक लिया है, ये मैंने ऑलरेडी बेक कर लिया। इसकी रेसिपी मैंने शॉर्ट्स पर डाल रखी है। अब देखिए, हमने मैंने यहाँ पर 10 से 12 मैंने क्रीम चीज़ के क्यूब लिए, उसमें 2 से 3 चम्मच मैंने दूध ऐड किया है और मैंने इसको अच्छी तरह से बीट कर लिया। जब ये बीट हो गई, इसमें 4 से 5 चम्मच मैंने शुगर ऐड किया है, 10 से 15 मिनट के अंदर बादाम कूट के डाल दी। अब इनको अच्छी तरह से आप मिक्स कर लीजिए, ये हमारी फर्स्ट लेयर इसकी रेडी हो जाएगी। आपको उसको फ्रिज में रखने की ज़रूरत नहीं है, उसको मिक्स करके आप बाहर ही रख लीजिए। ये हमारी फर्स्ट लेयर रेडी हो गई। फिर मैंने यहाँ पर नीचे एक थाल लिया, उसके अंदर मैंने कुछ ठंडा पानी मैंने लिया और सपीली को मैंने फ्रिज के अंदर ठंडा रख दिया था। अब मैंने यहाँ पर व्हिप क्रीम ली, ये मैंने ये लिक्विड फॉर्म में लिया, आप चाहे तो ड्राई फॉर्म में जो मिलता है ना व्हिप क्रीम, आप वो भी ले सकते हैं। अब मैंने इसको बिल्कुल अच्छी तरह हाई स्पीड में मैंने अच्छी तरह इसको मिक्स किया है। आप भी इसको हाई स्पीड पर ही ठंडे अच्छा ठंडा चिल्ड वाटर के नीचे रख के आप मिक्स कीजिएगा। यहाँ पर मैंने 5 से 6 चम्मच मैंने इसके अंदर शुगर भी ऐड की, इसको थोड़ी हल्की सी इसमें मिठास कम थी तो मैंने थोड़ी मिठास भी डाली है। और दूसरी साइड मैंने यहाँ पर क्या किया, मैंने जो किटकैट बड़ी डेयरी मिल्क आती है मैंने वो लिया, उसके अंदर मैंने 3 से 4 चम्मच दूध ऐड किया है और उसको मैंने मेल्ट कर लिया है। अब हम इसको जमाएंगे। अब मैंने यहाँ पर एक कांच की ट्रे ली है, उसके नीचे मैंने पहले यहाँ पर केक का बेस ऐसे ही आप चाहे टुकड़े करके डाली, आप चाहे तो पूरा रखे। देखिए मैंने टुकड़े करके इसको यहाँ पर ट्रे में ऐसा रख दिया है। अब उसके ऊपर इसको थोड़ा मॉइस्ट करने के लिए हमने मैंने यहाँ पर दूध ऐड किया, बिल्कुल इतना दूध ऐड करिए कि आपका ये थोड़ा पूरा केक थोड़ा है वो गीला हो जाए। उसके बाद हमने यहाँ पर सेकेंड लेयर लगी है, फर्स्ट लेयर हमारी केक की हो गई, सेकेंड लेयर हमारी क्रीम चीज़ की जो हमने बनाई थी ना बादाम डाल के, हमने वो सेकेंड लेयर हमारी इसकी रेडी हो गई। अब थर्ड लेयर इसके अंदर में जो हमने क्रीम बनाया था ना व्हिप क्रीम, अब मैं वो ऐड कर रही हूँ। अब इसको अच्छी तरह से आप फैलाइए। उसके बाद फोर्थ लेयर हमारी होगी चॉकलेट की। अब देखिए चॉकलेट का फ्रेम मैंने ऐसी बस डिज़ाइन बना दिया है और ये देखिए हमारी फोर्थ लेयर इसके ऊपर रेडी हो गई। और देखिए माशाल्लाह दिखने में ये कितना खूबसूरत लग रहा है। आप इसे बना के 3 से 4 घंटे के लिए आप इसको फ्रिज में ठंडा रख दीजिए नॉर्मल टेम्परेचर पे। और जब आप इसे खाएंगे ना फ्रेंड, आप यकीन करिए एक एक बाइट आपके मुंह में ऐसा घुलेगा ना, इतना टेस्टी बना था मैं आपको बता नहीं सकता। और इसका नाम है क्रीमी चॉकलेट डिलाइट केक। ये हमने हमारी मन से ही नाम सोचा है, मन से ही रेसिपी बनी है। तो प्लीज़ आप एक बार ज़रूर ट्राई करिए। मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मुझे दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़। Thank you.